हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंड शास्त्र प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सब्जेक्ट तीन भागों में डिवाइड कर इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला पेनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र, दूसरा विक्टिमोलॉजी यानी प्रपीड़न शास्त्र, तीसरा फॉरेंसिक साइंस अर्थात न्याय विज्ञान। आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जब दंड के सिद्धांतों की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि दंड के उद्देश्य के संबंध में प्राचीन कालीन रूढ़िवादी विचारधाराओं से लेकर आधुनिक विचारधाराओं तक विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलन में रही है और इन विचारधाराओं को ही दंड के सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। विभिन्न विधि वेताओं के द्वारा बताए गए वर्गीकरणों के आधार पर हम दंड के सिद्धांतों को 5 वर्गों में विभाजित कर इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला रिट्रीब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रिवेंटिव थ्योरी अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत, तीसरा डिट्रेन थ्योरी अर्थात प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, फोर्थ एक्सपायरेटरी थ्योरी अर्थात प्रायश्चित का सिद्धांत, नेक्स्ट और आखिरी 5वां रिफॉर्मेटिव थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत। पिछले व्याख्यान में हमने पहला जो दंड का सिद्धांत है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज हम दंड के दूसरे सिद्धांत अर्थात प्रिवेंटिव थ्योरी अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। निरोधात्मक सिद्धांत दंड का एक कठोर सिद्धांत है और इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधियों को रोकना है अर्थात अपराधियों को अपराध करने से रोकना है और समाज में जाने से रोकना है अर्थात इन्हें समाज से अलग रखना है ताकि इनका अनुसरण करके अन्य लोग अपराधी ना बने। और जहाँ तक अपराधियों का प्रश्न है उन्हें अपराध करने से नहीं रोका जा सकता है, यह एक व्यवहारिक तथ्य है, अतः यह आवश्यक है कि उन्हें समाज से अलग रखा जाए ताकि वे अपराध ना कर सके। अपराधियों को अपराध के लिए अयोग्य बनाकर समाज के हितों की रक्षा की जाती है और अपराधी को अन्य लोगों से अलग रखा जाता है ताकि अन्य लोग अपराधी की तरह अपराध करके अपराधी ना बने तथा अपराधी स्वयं भी अपराध की पुनरावृत्ति से दूर रहे। इसके लिए विभिन्न विधिवेताओं के द्वारा समाज से पृथक करने हेतु दिए गए सुझावों के आधार पर हम देखते हैं कि अपराधी को 3 तरीकों से अलग रखा जा सकता है, जैसे कि कारावास, पहला कारावास या आजीवन कारावास, दूसरा मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट और तीसरा देश निकाला। यह सिद्धांत इस उक्ति पर आधारित है कि उपचार से अच्छा निवारण होता है, इसलिए अपराध के लिए अपराधी से बदला लेने के बजाय उसका निवारण किया जाना चाहिए।
यह सिद्धांत समाज की सुरक्षा हेतु दंड को जरूरी मानता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि अपराधियों को या तो प्राण दंड अथवा कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए या उन्हें समाज से अलग रखा जाए, तभी अपराध रोके जा सकेंगे। और ऐसा विचार तब उत्पन्न होता है जब अन्य निरोधात्मक उपाय असफल हो जाते हैं। इंग्लैंड में बैंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि उपयोगितावादी विचारकों ने भी दंड के निरोधात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है, क्योंकि यह मानवता पर आधारित है और उनका यह मत है कि अपराधियों पर दंड का प्रभाव उसकी निश्चितता के कारण होता है, न कि कठोरता के कारण। इसी तरीके से प्रारूपवादी संप्रदाय ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अपराधियों की शारीरिक बनावट विशेष प्रकार की होती है और आपराधिक प्रवृत्ति वंशानुक्रमण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्राप्त होती है और इस प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। अतः अपराधियों को या तो प्राणदंड देकर या समाज से पृथक कारागार में रखकर ही इस प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है, या आपराधिक प्रवृत्ति की वृद्धि को समाप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से इस निरोधात्मक सिद्धांत का प्रभाव यह होता है कि अपराधी को अलग रखने के कारण कारागार व्यवस्था का उद्भव हुआ, ताकि अपराधियों को कारावासित करके उनसे समाज का रक्षण किया जा सके। जब समर्थन की बात आती है तो हम समर्थन के बाद में इस सिद्धांत के कई बिंदुओं पर आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत देखने में कई स्थानों पर इसमें कमियां हमें नज़र आती हैं। अब हम इसकी कमियों पर चर्चा कर लेते हैं। इस सिद्धांत की निम्नलिखित बिंदुओं पर आलोचना की जा सकती है। पहला, दंड का यह सिद्धांत अधूरा है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपराधी को समाज से अलग करने पर ही जोर दिया जाता है, जो उसे जेल में बंद करके ही संभव हो सकता है। परंतु किसी अपराधी को जेल में सदैव ही बंद करके नहीं रखा जा सकता। दूसरा, ये सिद्धांत अपराधी की अपराध करने की परिस्थितियों और अपराधी की मानसिक दशा की पूर्णतया उपेक्षा करता है। तीसरा, ये सिद्धांत फर्स्ट टाइम ऑफेंडर यानी प्रथम अपराधी और बाल अपराधियों के संबंध में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चौथा, इस प्रकार के दंडों से अपराधी निरोधित नहीं होते हैं, बल्कि अपराधियों में आपराधिक प्रवृत्ति और बलवती हो जाती है, अर्थात वे और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी से या दृढ़ निश्चय के अनुसार अपराध करने की ओर अग्रसर होते हैं। पांचवा, इस सिद्धांत की व्यावहारिकता पर संदेह है, क्योंकि कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो सुधारातीत होते हैं, अर्थात उनमें सुधार की संभावनाएं ना के बराबर होती है और अपराध करना उनकी आदत बन जाती है, और ये अपराधी किसी भी तरीके के सुधारात्मक प्रभाव से परे होते हैं, अर्थात वे सुधार की ओर स्वयं को अग्रसर नहीं करते, अर्थात वे अपने में सुधार की संभावनाओं को समाप्त मानकर समाज में अपराध
कारित करते रहते हैं। छठा, इस सिद्धांत की एक कमजोरी यह भी है कि असाधारण एवं अभ्यस्त अपराधियों का वर्गीकरण करना व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत कठिन होता है और बिना अपराधियों के वर्गीकरण किए सभी अपराधियों पर इस सिद्धांत को लागू करना प्रारंभ परिणामों की दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकता। इसी तरीके से सातवां, कुछ अपराध आकस्मिक रूप से होते हैं, ऐसे मामलों में यह सिद्धांत अर्थहीन हो जाता है। कई अपराधी कारागार को अपना आराम गृह समझने लगते हैं तथा वे अपराध की पुनरावृत्ति भी करने लगते हैं, जिससे इस सिद्धांत की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से नौवां, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कुछ अपराध ऐसी मानसिक तनाव की स्थिति में किए जाते हैं अथवा हो जाते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति लगभग शून्य के बराबर होती है, अर्थात व्यक्ति अपराध करने के उपरांत जो उसकी मानसिकता होती है वह अपराध करने की नहीं रहती है, क्योंकि वह एक पल भर में मानसिक तनाव की स्थिति में अपराध को कारित कर जाता है, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चय के अनुसार उस अपराध की ओर अक्सर नहीं होता, क्योंकि समय और परिस्थिति और उसकी मानसिक दशा उसे गलत कार्य या गलत कदम उठाने की ओर ले जाती है, जिसके कारण वह उस समय और परिस्थिति में अपराध कारित कर जाता है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति वह भविष्य में नहीं करता है या नहीं करना चाहता है। ऐसी अवस्था में ऐसे अपराधी को स्थायी रूप से अयोग्य कर देना कि वह पुनः ऐसा कार्य ना करें अर्थहीन होता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपराध के निरोधात्मक सिद्धांत में बहुत सारी खूबियां होते हुए भी कुछ कमियां हैं। अतः हम निष्कर्ष के रूप में इस विवेचना से स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में कमियां हैं तो इसकी अपनी अपनी खूबियां भी हैं, परंतु इस सिद्धांत में कमियां होते हुए भी अपराधियों को समाज से दूर रखने में इस सिद्धांत की अपनी उपयोगिता है और इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता रहा है, चाहे प्राचीन काल हो चाहे वर्तमान काल, क्योंकि प्राचीन काल में भी कारागार व्यवस्था या मृत्युदंड की व्यवस्था प्रचलन में थी दंड के लिए, और वर्तमान समय में भी दंड के लिए या दंड के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारागार व्यवस्था और प्राणदंड व्यवस्था आज भी हम देखते हैं प्रचलन में है, क्योंकि अपराधी के कार्यों का असर शांतिप्रिय आम लोगों पर न हो सके तथा समाज में शांति और सौहार्द का समय बना रहे, अतः इस तरीके के सिद्धांत में प्रचलित कारागार और प्राणदंड का प्रचलन है और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी स्वयं भी अपने गलत कार्यों अथवा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं कर सके, इसलिए इस सिद्धांत को आज भी स्वीकार किया जाता रहा है और समाज अथवा राज्य में सुशासन बना रहे, इसलिए कारागार व्यवस्था और प्राणदंड व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। धन्यवाद।